मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मंडे है और आज मंडे को आप लोग को कॉपी करवाया जाता है, तो आज दो सब्जेक्ट से आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है। तो आइए देखिए आज का आप लोग का वर्क क्या है। सबसे पहले तो देखिए मैथ्स में कंप्लीट करना है काउंटिंग 1 to 60। 1 to 60 आप लोग को सिखाया गया है ना, तो आप लोग को काउंटिंग कंप्लीट करना है, ठीक है। मिसिंग काउंटिंग है, देखिए 1 दे दिया गया है और यहाँ पे डैश है, डॉट बनाया गया है, उसके बाद 3 है, तो 1 के बाद 2 होता है ना, तो 2 नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग को पेंसिल से सबसे पहले 2 लिखना है, फिर काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3, यहाँ पे क्या नहीं है 4, तो 4 लिखना है, फिर 5 6 7 8 9 10, ऐसे पढ़ पढ़ करके आपको अपना ये जो काउंटिंग है जिसको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है उसको आप लोग 1 to 60 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये है आप लोगों की मैथ्स की होमवर्क। देखिए और अब इंग्लिश से, इंग्लिश में आप लोग को पहले भी दिया जा चुका है वर्ड कम्स आफ्टर, तो पहले था कि आप लोग को ए दे दिया गया था, बस 2 ही लेटर को लिखना था जो बाद वाला होता है, तो ए के बाद बी और सी लिखते थे, लेकिन अब 3 लिखना है, ठीक है। तो ए के बाद बी बोल बोल के लिखना है ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो, तो ए बी सी डी, ठीक है। ये जो डैश बनाया गया है उतने दिन तक आप लोग को भरते रहना है, फिर बी के बाद क्या होता है सी डी ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 लेटर को यहाँ पे फिलअप करना है, 3-3 डैश बनाया गया है तो उसको आप लोग को फिलअप करना है। ऐसे ही वर्ड कम्स आफ्टर आप लोग को पूरा जेड तक दिया गया है जिसमें 3-3 लिखना है, ए के बाद एक लेटर दे दिया गया है, उसके बाद की 3 लेटर को आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो ये है आप लोग का इंग्लिश का, ठीक है। देखिए अब आप लोग को हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिया जाता है, तो आज भी आप लोग को एक्टिविटी दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग को इससे पहले भी इस टाइप का एक्टिविटी दिया गया है, जैसे टिक एंड कलर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट वनली, पहले आप लोग को बिगर ऑब्जेक्ट दिया गया था जिसमें आप लोगों ने बिगर और स्मॉलर दोनों को ही कलर कर दिया था, तो बिगर और स्मॉलर दोनों को कलर नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलर है तो आप लोग सबसे पहले पेंसिल से टिक करेंगे और जो स्मॉलर है सिर्फ उसी में कलर करना है, दोनों को कलर नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रैप्स है, बड़ा भी और छोटा भी, तो इसमें बोला जा रहा है ना आप लोगों को कि आप लोग स्मॉलर वाले में कलर भी करेंगे और इसको टिक करेंगे, तो सबसे पहले पेंसिल से ऐसे टिक करेंगे, उसके बाद आप लोग कलर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग कलर करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे 4 फिगर बनाया गया है आप लोगों को, 2 चारों का पेयर है और उसमें से आप लोग के स्मॉलर ऑब्जेक्ट को टिक करना है और कलर करना है। यहाँ पे वनली बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग को सिर्फ छोटे वाले को करना है, बड़े वाले को मत कलर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, टिक से तो पता चलता है लेकिन छोटे वालों को ही सिर्फ कलर करना है, ओके। तो ये रहा आज का आप लोगों का होमवर्क, प्लस आप लोगों को क्या कहते हैं कि सीजन्स नेम इसको लर्न करना है, ठीक है। आप लोग सीजन्स नेम अपने पिक्चर बुक से लर्न करेंगे जिसमें स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटमन सीजन, ये 4 सीजन्स और भी बताए गए होंगे, उन सबको आप लोग को लर्न करना है, ठीक है। फिर A to Z अगेन है, आप लोग जितना रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से आप लोगों को आएगा, आप दूसरों के सामने भी अच्छे से सुना पाएंगे कि हाँ आप लोगों की कैपिटल लेटर कंप्लीट है, तो प्लीज़ आप लोग लर्न कीजिएगा। फिर 1 to 60 उसको एकदम अच्छे से लर्न करना है एक साथ, जब कोई आपको बोले, आपकी मम्मा ही बोले कि सुनाओ, तो रुकना नहीं है, एकदम अच्छे से सुनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहिए, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।